राष्ट्रपति भवन की ओर बढ़ रहे जेएनयू प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेलने के दौरान गुरुवार को एक महिला प्रदर्शनकारी ने एक आईपीएस अधिकारी के अंगूठे पर काट लिया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष आयशी घोष ने छात्रों को राष्ट्रपति भवन की ओर बढ़ने का आदेश दिया था। उसी के बाद प्रदर्शनकारी वहां एकत्र हुए, जो विश्वविद्यालय के कुलपति एम जगदीश कुमार को पद से हटाने की मांग करने के लिए राष्ट्रपति भवन जा रहे थे। 2011 बैच के अधिकारी प्रताप सिंह प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेल रहे थे कि उसी दौरान एक प्रदर्शनकारी युवती ने उनका अंगूठा काट लिया, उसके कारण वह घायल हो गए। सूत्रों के अनुसार सिंह एक पुरुष प्रदर्शनकारी को खींचने की कोशिश कर रहे थे, तभी युवती ने अपने मित्र को बचाने की कोशिश में अधिकारी के अंगूठे पर काट लिया। बता दें कि जेएनयू में नकाबपोश हमलावरों द्वारा की गई मारपीट के बाद वीसी जगदीश कुमार को देश भर से आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल बीते रविवार को कुछ नकाबपोश लोगों ने विश्वविद्यालय में घुसकर छात्रों के साथ जमकर मारपीट की। ऐसे में वीसी जगदीश कुमार पर समय रहते पुलिस को सूचित न करने के आरोप लग रहे हैं। गुरुवार को वीसी जगदीश कुमार को हटाए जाने की मांग कर रहे छात्रों ने राष्ट्रपति भवन तक मार्च करने का ऐलान किया था। हालांकि इस दौरान दिल्ली पुलिस ने छात्रों को खदेड़ते हुए हिरासत में ले लिया। पुलिस द्वारा कई छात्रों को पीटा भी गया, जिसमें वह घायल हो गए। पुलिस ने छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील की। कुछ छात्रों ने कनॉट प्लेस में सड़क किनारे खड़े होकर नारेबाजी भी की। उन्होंने वीसी जगदीश कुमार के खिलाफ नारे लगाए। छात्रों के इस प्रदर्शन की वजह से जनपद पर जाम भी लगा रहा। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज पंजाब केसरी दिल्ली को लाइक कीजिए, और अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब कीजिए। प्रतीक शर्मा, पंजाब केसरी दिल्ली।